नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ सोनू। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व सचिव अवधेश तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर 35-35 करोड़ में विधायकों को खरीदने के आरोप लगाए हैं। श्री तिवारी ने कहा, अपनी सरकार बनाने के लिए जनता की चुनी हुई कांग्रेस सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराया गया है। साथ ही गंगेयो जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी पर भी सवाल उठाए हैं। श्री तिवारी ने कहा है, 3 करोड़ में गंगेयो की जनपद अध्यक्ष बन पाई है, इसलिए पहले उस पैसे की जनता से वसूली होगी, साथ ही खुद को बेदाग बताया है। ये सारी बातें अवधेश तिवारी ने 15 अगस्त को हुए ग्राम पंचायत सूरा में ध्वजारोहण के पश्चात कही, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ज्ञात हो कि हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जब अवधेश तिवारी ने अपनी पत्नी को सरपंची का चुनाव लड़ाया था, तब मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के सचिव रहते हुए निर्वाचन के नियमों को दरकिनार करके खुलकर पत्नी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था एवं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पूरे चुनाव को बुरी तरह से प्रभावित भी किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी हारा हुआ चुनाव 4 वोट से जीत गई थी, जिसके तत्काल बाद ही विधानसभा अध्यक्ष ने अवधेश तिवारी की कार्यप्रणाली को देखते हुए उनसे इस्तीफा ले लिया था। इस्तीफा होने के बाद से ही लगातार अवधेश तिवारी द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे वो विवादों में घिरे हैं। संभवतः विधानसभा अध्यक्ष की आड़ में अभी तक वो बचे थे, अब धीरे धीरे उनकी पोल खुलने लगी है। हाल ही में अवधेश तिवारी गंगेयो जनपद में निर्वाचित हुए अध्यक्ष विकास तिवारी के विजय जुलूस में कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी सत्यनारायण चतुर्वेदी के साथ खुली जीप में नजर आए। उसके बाद जनपद अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखाई दिए, जहां मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम थे। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और सुनाते हैं वह ऑडियो जिसे अवधेश तिवारी के भाषण का ऑडियो बताया जाता है। हालांकि विराट 24 न्यूज उक्त ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आवाज के जमाने में है, पहले आप प्रस्ताव पास करें। प्रस्ताव पास करने के पश्चात नक्शा निकाल, सरकारी जमीन होना चाहिए, अगर ये काम करना है तो सरकारी जमीन होनी चाहिए। सरकारी जमीन का खसरा लगाइए, सरकारी जमीन में खसरा लगाने के बाद फिर टीएस करिए, टीएस करने के बाद फिर आप अपने हाथ से एएस करिए, फिर एएस टीएस इंस्ट्रूमेंट जो बन गया करने निकल पड़ते हैं। जैसे ही पंचायत की तरफ से स्थिर हो जाता है तो लागत लिखी जाती है, अनुमानित लागत खाते ये देख लिया काम लिखा है, लेकिन पैसा निकाल देखा इतना खाली बड़ा बड़ा कागज लेके लोग पा इतना कागज निकाल लिया, इतना पैसा निकाल लिया। अरे पता नहीं है भैया, पैसा तब निकलता है जब पंचायत पहले पूरे कागज के साथ नियम कानून के साथ आ जाती है, किए हुए कार्य का मूल्यांकन हो जाता है, तब अगला पैसा निकलता है। क्योंकि हमारी निर्माण समिति के साथ में सब इंजीनियर के साथ में हमारा पंचायत समन्वयक के साथ में हमारा अनुभागीय अधिकारी के उपयोग, ये इतने निर्माण समिति में है। अकेले पंचायत के सरपंच और टिकट की समिति नहीं होती, आज जो भी काम करती है ग्राम सभा उसका अनुमोदन अगर सब लोग मिलकर खा रहे हैं तो बताइए ये शिवराज नगर, अरे शिवराज सिंह चौहान को जनता ने हरा दिया था, शिवराज सिंह चौहान को जनता ने हरा दिया था, कांग्रेस पार्टी को जनता ने जिता दिया था। एक महीने ड्रामा चला है, 35-35 करोड़ रुपए लेकर के यहाँ मंत्री और विधायक के हैं और बनी हुई सरकार को गिरा करके ना बनी हुई सरकार को बनाए हैं, इसका कौन दोषी है? अभी आपके सामने जनपद का चुनाव हुआ, जितने जनपद सदस्य थे उनसे पूछिए, जब सब लोग चुनाव जीतते हैं तो सब लोग रैली बनाते हैं, जो जनता वोट देते हैं उसके साथ मिलकर जुटते हैं, ये कहाँ लापता थे, कहाँ चले गए थे हमारे मनहार जनपद, कहाँ होटल में बंद थे और कितने में बेचा गया आपका वोट, पूछिए उनसे। आज 3 करोड़ में हमारा जनपद अध्यक्ष बना है, ये है हमारा लोकतंत्र, आप भी न्याय करेंगे? अगर जनता हमसे शराब मांगेगी, जनता हमसे पैसा मांगेगी वोट में, तो हम पैसा देंगे, शराब देंगे, क्योंकि हमको चुनाव जीतना, लेकिन कहां से पैसा वसूलेंगे? आपके खून पसीने से पैसा वसूला जाएगा।
पहले आप सुधरेंगे तब ना सुधरेंगे। कैसे लोगों को आप दे रहे हो? काम करने वाले को हराओ अभियान चलाते हो, और जो काम करने वाला नहीं तो जिताओ अभियान चलाते हो, ऐसे बच्चे जीतते करोगे? मैं आपको आह्वान करता हूँ, आइए आने वाले समय में आपका समय है। मैं चारों तरफ जो आगे और जो पीछे तमाम बैठे हैं, अगर किसी भी सज्जन को मेरी बात में थोड़ा भी कष्ट हुआ हो, थोड़ा भी दर्द हुआ हो, मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। लेकिन मैंने सत्य बात